नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSSB की तरफ से मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, DSSSB का मोस्ट अर्जेंट नोटिस देखें, उससे पहले एक जरूरी नोटिस है ये भी देख लीजिए। वैसे इसकी जानकारी मैं कल आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा हो। दोस्तों, एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है काफी सारे रिक्रूटमेंट की, काफी सारे पोस्ट कोड की। जो 2022 में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे DSSSB की तरफ से, उनकी एग्जाम डेट आ गई है। इसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है, तो आप एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, फिर मोस्ट अर्जेंट नोटिस भी देखेंगे। 31 अक्टूबर 2022 मंडे को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा मैनेजर ट्रैफिक, पोस्ट कोड 5/22 का। 3 नवंबर 2022 को एग्जाम होगा, पोस्ट कोड 32/22 PGT संस्कृत फीमेल, 24/22 PGT उर्दू मेल, 25/22 PGT उर्दू फीमेल। 4 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, पोस्ट कोड 6/22 मैनेजर IT का। 21 नवंबर 2022 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, पोस्ट कोड 22/22 PGT म्यूजिक मेल, 29/22 PGT कंप्यूटर साइंस मेल, 30/22 PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल का। अब चलते हैं मोस्ट अर्जेंट नोटिस की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मोस्ट अर्जेंट नोटिस 22/9/2022 को DSSSB की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, DSSSB की तरफ से जो पटवारी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, पोस्ट कोड 48/21 का, ये एग्जाम 20/8/2022, 21/8/17/9 और 18/9/2022 को कंडक्ट कराया गया था। इनकी आंसर की DSSSB की तरफ से जारी कर दी गई है। कैंडिडेट कल मतलब 22/9/2022 से और 26/9/2022 तक जो लिंक दिया गया है DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट में लॉगिन करके अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को लगता है कि किसी आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है उनको, तो वो ऑब्जेक्शन भी वहीं पे फाइल किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये लिंक दिया गया है, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी, पोस्ट कोड 48/21। यहाँ इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ आपको डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के और ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करके लॉग इन करके आप आंसर की चेक कर सकते हैं। और किसी आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन आपको लगता है तो वो ऑब्जेक्शन भी आप यहीं से फाइल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही आई थी DSSSB की तरफ से अपडेट कल की डेट में, जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।